अपना हो या पराया, छोटा हो या बड़ा, किसी भी व्यक्ति पर गुस्सा आना स्वाभाविक सी बात है। ये किसी भी व्यक्ति के द्वारा कभी भी किसी पर भी किया जा सकता है। कभी किसी बात पर क्रोध आना तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बात बात पर या फिर कहें बेवजह किसी पर गुस्सा करना विनाश का सूचक होता है। ऐसे क्रोध को व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब किसी व्यक्ति को गुस्सा आता है तो उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। जिस क्रोध के आने पर व्यक्ति अपने जीवन में कोई भी सही फैसला लेने में अक्षम हो जाता है। यदि क्रोध पर नियंत्रण न किया जाए तो वो जिस कारण उत्पन्न होता है व्यक्ति को उससे कहीं ज़्यादा हानि पहुंचा सकता है। क्रोध में व्यक्ति के बनते काम भी बिगड़ जाते हैं और क्रोध के कारण अपने दूर हो जाते हैं। क्रोध में हम किसी को ऐसी बात बोल देते हैं जो दुश्मनी का कारण बन जाती है। क्रोध प्रेम का दुश्मन होता है। जैसे रहीमदास जी ने भी कहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। किसी व्यक्ति को क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए भले ही ताकत की जरूरत ना पड़े, लेकिन क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत की आवश्यकता होती है। किसी भी व्यक्ति का क्रोध तभी सही है जब वो स्वयं पर करता है, क्योंकि ऐसे क्रोध से स्वयं को बदलने की भावना पैदा होती है। परंतु ऐसा क्रोध लोगों को बहुत कम ही आता है। जीवन में क्रोध से व्यक्ति के भीतर भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि वृग्य होती है। जब बुद्धि वृग्य होती है तो व्यक्ति का तर्क नष्ट हो जाता है और तर्क के नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन होता है। कभी किसी व्यक्ति को क्रोध में उत्तर नहीं देना चाहिए, क्योंकि क्रोध व्यक्ति के विवेक को खा जाता है, जिसके बाद उसके भीतर अच्छा बुरा सोचने की शक्ति समाप्त हो जाती है। क्रोध में निकली हुई वाणी अधिकतर सामने वाले व्यक्ति को नुकसान ही पहुंचाती है, क्योंकि क्रोध का मकसद ही होता है नुकसान पहुंचाना। लेकिन जब आपका गुस्सा उतर जाता है तो आपको उस पर पछताना भी पड़ता है। इस वजह से ऐसे कार्य करने से बचें। ऐसे कार्य से बचने के लिए क्रोध पर नियंत्रण करना सीखना चाहिए।